बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरी अकेडमी के फोरम से बात कर रही हूँ। माय नेम इज़ लाइबा आबिद। टुडे वी डिस्कस हेयर द चैप्टर नंबर 12 ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री विच नेम इज़ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आवर टॉपिक इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। हम कार्बोनाइल कंपाउंड के जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। आज हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की जो है जब ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम विच इज H2SO4 दे चेंज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन में एडअप हो जाएगा और दे चेंज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन में जो है कीटोन ग्रुप जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा विद नेसेंट ऑक्सीजन इन थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिटिक मीडियम दे चेंज इनटू द एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे अगर देखें आप तो ये वाला जो ग्रुप है CH3C OO, ये जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन और CH3 से एक हाइड्रोजन जो है लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेकर किसमें चेंज हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन जो है वो पेंडिंग है। ये आपस में मर्ज अप होके हमें क्या दे देंगे, फॉर्मिक एसिड जो है वो बना देंगे। नेक्स्ट जो है हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे से कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम छह तरह के जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं विच आर मैंशनड हेयर। फर्स्ट टेस्ट इज 2,4-DNPH टेस्ट विच इज कॉल्ड द डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। सेकेंड टेस्ट इज सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज टॉलेंट टेस्ट विच इज नेम इज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज बेनेडिक सोल्यूशन टेस्ट। फिफ्थ टेस्ट इज फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड द सिक्स वन इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट जो है वो हमारे पास है 2,4-DNPH जिसे हम डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट कहते हैं। हमारे पास फिनोल और अल्डिहाइड हमारे पास कीटोन और अल्डिहाइड जो है दोनों जो है हमारे पास 2,4-DNPH के साथ जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अल्डिहाइड जो है हमारे पास 2,4-DNPH के साथ सोल्यूशन के साथ जो है वो येलो प्रेसिपिटेट देते हैं जबकि कीटोन जो है वो हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। हमारे पास एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन जो है वो दोनों सोडियम बायसल्फाइड सॉल्यूशन के साथ जो है वो रिएक्ट करके हमें वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो देते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आ जाता है टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड तो परफॉर्म करते हैं लेकिन कीटोन जो है वो ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं देते। एल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर यानी कि टॉलेंट रिएजेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करके हमें सिल्वर प्रेसिपिटेट देते हैं जिसकी वजह से इसका नेम जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है वो है बेनेडिक सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो भी हमें एल्डिहाइड तो देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते। एल्डिहाइड जो है वो बेनेडिक सॉल्यूशन के साथ हमें जो है वो ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो देंगे। बेनेडिक सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो हमारे पास यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट के एस्टिमेशन के लिए भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है हमारे पास एल्डिहाइड तो देंगे लेकिन कीटोन नहीं दे रहे। हमारे पास एल्डिहाइड जो है वो फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके हमें रेड ब्रिक कलर जो है वो देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टेस्ट है वो हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड पॉजिटिव नहीं देते जबकि कीटोन जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कीटोन जो है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के साथ जो है वो रिएक्ट करके या तो हमें वाइन रेड कलर देते हैं या ऑरेंज रेड कलर। ये छह टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम एल्डिहाइड और कीटोन को जो है वो आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के इस्तेमाल आज फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में जो है यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा 40% सॉल्यूशन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का जिसे हम फॉर्मालिन बोलते हैं ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर जो है वो काम करता है। फॉर्मेल्डिहाइड को जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी मेकिंग में यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा मिरर की जो सिल्वरिंग होती है लाइक मिरर के पीछे जो सिल्वर कलर जो है वो लगा होता है वो बेसिकली उसमें फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो यूटिलाइज हुआ होता है। इसके अलावा ये प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन में भी जो है यूटिलाइज किया जाता है। ये डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है इन मैट डाइंग में। इसके अलावा ये डाइस की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो हेल्प आउट करता है सच एज इंडिगो पैरा रोजालिन। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जो है वो डिफरेंट एसिड्स की जो है प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है यानी कि ये एसिटिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है
इसकी प्रिपरेशन में यूटिलाइज होता है, विनाइल एसिटेट जो है उसकी प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये एज एन एंटी सेप्टिक इनहेलर के तौर पर भी जो है वो वर्कआउट करता है फॉर नेजल इन्फेक्शन। इसके अलावा इस हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का जो कॉमन यूज़ है वो ये है कि ये दोनों जो है वो सिल्वरिंग ऑफ मिरर में जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। इसके अलावा ये फिनोलिक रेजन जो है उसकी प्रिपेशन में जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा एसिटाल्डिहाइड जो है वो कोलरल हाइड्रेट, एथेनॉल ट्रीमर और टेट्रामर के लिए भी जो है यूटिलाइज होता है। इसमें से फर्स्ट टू जो है हमारे पास कोलर हाइड्रेट और एथेनॉल जो है वो हाइपोटोनिक ड्रग्स हैं, जबकि हमारे पास जो टेट्रामर है इसको हम स्लग पॉइजनिंग भी बोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो जस्ट इतना ही था, यानी कि हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़े, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़े और यूजेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।